तो हमें चारों तरफ से आप गुलाम बनाने की साजिश है, क्योंकि जब हमारे पास जमीनें नहीं होंगी, रोजगार नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल फिर तो गंदे से गंदा काम करने को मजबूर होंगे। इनको मजबूत लोग नहीं चाहिए, और अनुसूचित जाति को तो इन्होंने वापस वहीं ला के मनु स्मृति के हिसाब से दोबारा से उन्हीं उन गंदे पेशों में लाना, जिन गंदे पेशों से वो पढ़ लिख करके निकले इतने वर्षों से। अब हमें तुम्हारी घोड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे पुजारी भी नहीं चाहिए। हम तो विधि के समक्ष बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। या धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और भगवानों के नाम पर वोट मत करो। हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, लेकिन अब आप रेस्ट करो और अमरनाथ की वहां गुफा में जाके 5 साल तपस्या करना, ये 2 काम कर लो, हम हिंदू बन जाएंगे। ये जो सरकारें हैं ये झूठ बोलती हैं, धोखा देती हैं समाज को। ये नारे तो देती हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये वोट लेकर के सबका साथ लेकर के चाहे 1-2 पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, और चंद लोगों का जो इनके खास लोग हैं उनका विकास इन्होंने किया है पिछले जो ये 9 साल के अंदर। जो पूंजीपति 800-900 पायदान पर थे अपने उसमें रैंकिंग में, वो एकदम से 9 साल के अंदर दुनिया के मालदार नंबर 1 होकर के और फिर नीचे कर सारा बर्बाद करके फिर हो गए। तो इनकी जो नीतियां हैं सबके साथ की साथ तो सबका ले रहे हैं, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, और जातियों के नाम पर, देश को बांटने के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। मगर जब इनको जब सत्ता में आते हैं और जब सबको नौकरियाँ देने की बात होती है तो तब ये मुकर जाते हैं। जब सबको जमीनें बांटने की बात होती है, शिक्षा देने की बात होती है, और चिकित्सा व्यवस्था देने की बात होती है, सुरक्षा देने की बात होती है, तो तब ये बिल्कुल उनको कुछ नहीं करते। उनको कहते हैं भैया मंदिरों में जाओ, हम तुम्हें मंदिर बना दिए, वहां जाकर के भगवान से मांगो, हमसे मत मांगना। सरकार तो तुम्हें बना के प्रधानमंत्री हमें बना दो, मगर हमें हमें परेशान मत करना, हमें तंग मत करना। मंदिरों में जाके भगवानों से मांगो, वो इनसे व्रत रखो और उन्हीं की पूजा करो, मांगो भगवान से, वोट दे के सत्ता हमें दे दो। आपने जमीनों की बात करी, यूपी में योगी सरकार का एक फरमान आ रहा कि जो SC ST की जमीन थी पहले डीएम की परमिशन लेनी होती थी उसे सेल या परचेज करने के लिए, वो अब खत्म की जा रही है। नहीं, वो गलत है, हमने उसका विरोध किया है, क्योंकि देखिए जो SC ST SC का और ST इसका जहाँ पर जो शेड्यूल इलाके हैं, शेड्यूल 5 जो बना हुआ संविधान में, जो शेड्यूल इलाके घोषित किए जाएंगे आदिवासियों के, उनकी ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता, आदिवासी की ज़मीन ले सकता है। और उसी तरीके से अनुसूचित जातियों के ये प्रावधान थे, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, हर तरीके से कमज़ोर हैं, उनको डरा के धमका के कोई भी ज़मीन ले लेगा, पैसे भी नहीं देते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये प्रावधान किया गया था प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो SC की ज़मीनें हैं वो SC खरीद सकता है, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता। अब उनको इन्होंने बिना पार्लियामेंट में लाए, बिना पार्लियामेंट में चर्चा करे और उसके ऊपर कोई कानून लाए, एक स्टेट अपने आप ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अनुसूचित जाति की ज़मीनें कोई भी ले सकता है। अब तो कोई भी ले लेगा, कोई भी छीन लेगा उन जातियों को। अगर सरकार भी लेती थी विशेष उनमें जो अंग्रेजों ने बनाया था विशेष प्रावधानों में, या तो उनको मान लो एयरपोर्ट उसके लिए आर्मी के लिए चाहिए, डिफेंस के लिए जगह चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, सड़कें बनाने के लिए चाहिए, जो जनता के हित के हैं, तो भी उसमें सरकार उनको पैसा देगी, मुआवजे देगी और जगह की जगह पर जगह देगी, वो उनको पुनर्वासित करके तब लिया जाएगा। लेकिन SC ST की जमीन जब सेल करते थे बेचते थे दिक्कत आती थी, उससे कम रेट लगते थे, आप सही रेट सही दाम में बिकेगी जमीन? सर दाम की तो ये बात है ना कि दाम तो आप दे दोगे करोड़ों रुपए, मगर वो तो आप ही के पास है। और जो एक अनुसूचित जाति का आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक उसने दुकान छोटा सा कहीं वो भी खोमचा भी नहीं लगाया, वो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेके करेगा क्या? वो 1-2 साल में ही खर्च करके फिर भूखा नंगा हो जाएगा, मजदूर बन जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अभी महाराष्ट्र में आदिवासियों की जमीनें उसके नाम पर पावर ग्रिड ने डेवलपमेंट के नाम पर हाईवे बनाने के नाम पर ले ली, करोड़ों करोड़ रुपए मिले, 6-6 महीने में भूखे नंगे हो गए, क्योंकि उनको उस पैसे को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है, व्यवसाय पता ही नहीं है। और एक छोटी सी जमीन हजारों वर्षों से उनके खानदान दर खानदान उनको पालती आ रही थी, तो ये भी एक प्रावधान इसलिए था कि ये अपनी जमीनों को बेच ना पाए, जिससे कि इस जमीन से छोटी सी जमीन से ये अपनी दाल रोटी कमा सकें, खा सकें, जिंदा रह सकें, इज्जत मान सम्मान का जीवन रह सके। देखिए धरती चाहे छोटी हो बड़ी हो, क्या बेदखल करने की साजिश है जमीन से SC ST वाले? हाँ बिल्कुल, बेदखल करके उनको वही मजदूर बनाना है, वही गरीब बनाना है, उनको उसी वही भुखमरी पे लेकर के आना है। और जो कि इनको फ्री के नौकर मिले, अगर ये 1 रुपया दें तो 1 रुपये में दिहाड़ी करें, रोटी दें तो रोटी पे दिहाड़ी करें। इनको मजबूत लोग नहीं चाहिए, और अनुसूचित जाति को तो इन्होंने वापस वहीं ला के मनु स्मृति के हिसाब से दोबारा से उन्हीं उन गंदे पेशों में लाना, जिन गंदे पेशों से वो पढ़ लिख करके निकले इतने वर्षों।
से इनको दोबारा उसी गुलामी में ले जाना इनकी साजिश है इन मनुवादियों की। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि तमाम SC ST वाले जो हैं वो भूमिहीन है, उनको भूमि दी जाए जी, अब तो भूमि और कम की जाएंगी। अब वो तो एक दुर्भाग्य है ना, वो तो देखिए बहुत ही खतरनाक स्टेप है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, कड़ा विरोध किया हमने इसका, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आप हमें जमीन देने की बजाय, हमने मांगा एक एक एकड़ जमीन एक एक परिवार को मिलनी चाहिए, जो जो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई इनको इनको जमीन दो, जिससे कि देखिए एट्रोसिटी क्यों होती है, एट्रोसिटी इसलिए होती है कि गाँव में हमारे लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके पास अपने एम्प्लॉयमेंट का, खाने का, अपने सेल्फ वो डिपेंड नहीं है, तो दूसरे की जमीन पर जाते हैं रोजी रोटी कमाने। अगर वो उसके विरुद्ध, उसकी किसी गलत हरकत के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले उनका बहिष्कार करते हैं, उनको काम नहीं देते, जब काम नहीं देंगे तो जिंदा कैसे रहेगा। तो एट्रोसिटी इसलिए होती है, आप हमें भैया सेल्फ डिपेंड करो, हमें ज़मीनें बांटो, जिससे कि हम अपनी ज़मीनों पे अपनी दाल रोटी पैदा करके हम अपना जिंदा तो रहें कम से कम। बिल्कुल बढ़ेगा जैसे जैसे आप भूमिहीन होंगे, क्योंकि उधर तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, जितने रोजगार थे परमानेंट सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, संसाधन बेच रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां जो थी अब ठेके पे आ गई, ठेकेदार 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में काम करवा रहा है, भयंकर शोषण कर रहा है, उधर नौकरियां खत्म हो गई, उधर नौकरियों से जो पैसा आता था वो इनकम वो खत्म हो गई, दूसरी तरफ जो छोटी छोटी जमीनें हमारे पास थी भी तो आप वो छीन लोगे, तो हमारे पास जो छोटा कभी एक पूरे साल के लिए दाल चावल चीनी जो हम पैदा कर लेते थे, सब्जियाँ रोजमर्रा की, वो भी हमारी खत्म हो गई। तो हमें चारों तरफ से आप गुलाम बनाने की साजिश है, क्योंकि जब हमारे पास जमीनें नहीं होंगी, रोजगार नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल फिर तो गंदे से गंदा काम करने को मजबूर होंगे, भुखमरी की तरफ आएंगे, तो ये बड़ी साजिश है। ये प्रतिबंध तो सपा सरकार भी हटाना चाहती थी यूपी में, नहीं वो गलत था ना, चाहे कोई भी हो, देखो सपा हो, भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, देखिए राजनीतिक पार्टी किसी की भी हो, राजनीतिक दल अगर संविधान के विरुद्ध नीतियां बनाएंगे तो हम उसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम आपको सत्ता इसलिए थोड़ी देते हैं कि आप सबका साथ लेकर के, और जो साथ दे रहे हैं आपका उन्हीं के आप रोजी रोटी छीनोगे, उन्हीं की जमीने छीनोगे, उनकी शिक्षा छीनोगे, उनको महंगाई करके उनके पास जो है थोड़ा बहुत उसको भी बर्बाद करोगे। तो ये देखिए इनकी दोहरी चाल है, जिस तरह आपने देखा एक तरफ तो यहाँ प्याज बिक रही है 20-25 रुपए किलो दिल्ली में, शहरों में, और जब प्याज की खेती आई तो वहाँ 50 पैसे किलो किसान को मिल रहे हैं। तो ये दोहरी, ये जो बीज का पैसा कौन खा रहा है, कौन से मुनाफाखोर लाला खा रहे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमें खाली हमारे नौजवानों को मेरा कहना है कि भैया धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और भगवानों के नाम पर वोट मत करो। और आज ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी की है कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक लोग धर्म को बीच में लेकर के आते हैं वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजनीति में धर्म भगवान का क्या काम है, आप अपनी राजनीति करते हो तो जनता के सामने मुद्दे लेके जाओ, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनकी तरक्की के, उनकी आर्थिक उन्नति के, तुम उनको भगवानों को और धर्म के चक्कर में ला करके उनके 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 वोट को मैनुपलेट कर रहे हो। ये आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, इनको चेतावनी देनी पड़ी कि अगर राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, ये उनको कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा। तो इसलिए ये बहुत दुखद है कि राजनीति में धर्म को, भगवानों को लेकर के लोगों की भावनाओं को आहत करके उनको लूट लेते हैं, जैसे कि इन्होंने किसी की भावनाओं को लूटते हैं, वैसे ही इनके वोट को लूट के सत्ता पे आ जाते हो और फिर लोगों को छोड़ देते हो कि भगवानों के पास जाओ मांगने, हमसे मत मांगना भैया, हमारे टेंशन मत दो, हमें आनंद लेने दो, और मांगो नौकरी किससे, भगवान से, मांगो किससे आप जमीने, जाओ भगवान से रोजी रोटी मांगो, मंदिरों में जाओ, हम मंदिर बना रहे हैं, हमसे रोजगार मत मांगना। तो यूपी में SC ST के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है, यूपी में क्या पूरे देश में ही है, ये तो पूरे देश में, मैं जाता हूँ दूसरे दूसरे राज्यों में, वहाँ भी सरकार विकास के नाम पे, किसी के नाम पर सड़कें बनाने, हाईवे बनाने के नाम पर, रेल की पटरियां बनाने के नाम पर जमीनें छीन रही है आदिवासियों से, SC ST से, गरीब तबकों से, और उनको दे रहे हैं मुंह मांगे पैसे, ले लो भाई 1 करोड़ 2 करोड़ ले लो, भैया दे कहाँ रहे हो, तो तुम्हारे बैंक में ही है। आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए निकालने भारी पड़ गए थे, ये किसी समय बोल देंगे भैया 500 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, तो पैसा किसका है, वो तो आप नाम का ही दे रहे हो, तो सरकार का ही है ना। और दूसरी बात, ये गरीब आदमी जिसने सदियों सदियों, जिसके खानदान ने कभी एक दुकान ना चलाई हो, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के उसको तो लुटा देगा वो साल 6 महीने में। और दूसरा, जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं ना, मैंने देखा एजेंट आ जाते हैं, कंपनियों के एजेंट बेईमान लोग, वो कहते हैं जी इतने पैसे लगाओ तुम्हें इतने मिल जाएंगे, उनको लूटने के लिए अपने ही आदमी भेज देते हैं कि यहाँ पर इसमें इंश्योरेंस में लगाओ, इसमें लगा दो, इन पॉलिसियों में लगा दो, उनको लूट लाट करके बराबर कर देते हैं और बेचारे फिर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। आप हमें जमीन की जगह जमीन दो भाई, हमें जमीन चाहिए और हमें हमें उसका रोजगार चाहिए, हमें आप हमारी जमीन लेते हो परंपरागत सदियों की, हमारे बाप दादाओं की, तो हमें उसकी जगह पर जमीन चाहिए और हमें एक सरकार
सरकारी नौकरी चाहिए। मोहन भागवत को आजकल बड़ी चिंता हो रही है दलितों के प्रति, क्या है इसका मतलब? बड़ी चिंता कर रहे हैं वो दलितों की, क्योंकि अब ओबीसी समाज जाग गया है ना, जो इस ओबीसी समाज को ये कट्टर हिंदू समझते थे अपना बिल्कुल एक तरफा, वो समझते थे कि हमें वोट एक तरफा मिल जाएगा, तो अब उनको उन्होंने जिस तरीके से पीछे जो आंदोलन चले, जो हल्ला मचा इनके धार्मिक ग्रंथों पर, दूसरी चीजों पर, ओबीसी समाज ने जो बढ़ चढ़ करके उनको पता चला कि यार ये तो सब हमारे खिलाफ है, जब उनको पता चला तो जब इनकी जमीन खिंचक गई तो अब ये दलितों की तरफ भाग रहे हैं, उनको उनकी तरफ भाग करके उनको किसी ना किसी बहाने से उनके वोट लेना चाहते हैं 2024 में। मगर इस देश की महान जनता को ये समझना चाहिए कि भैया ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को परमानेंट करोगे ना तो वो तुम्हारे तुम्हें लूटेगा, तुम्हें धोखा देगा, छल कपट करेगा, तुम्हारे हिस्से का रोजगार शिक्षा सब छीन लेगा। अरे भैया पार्टी किसी में रहो, इस बार बदल दो, हर 5 साल में बदलो, नई नई सरकारें लाओ, नए हर 5 साल में बदलोगे तो नई जो सरकार आएगी वो अच्छे अच्छे काम करेगी, वोट के लालच में लेगी, तो इस बार बदलना चाहिए और सरकार बदलो, किसी को परमानेंट मत करो। हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, लेकिन भैया आपके 2024 में हम आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार करते हैं, मगर राजनीतिक रूप से आपको रेस्ट देंगे 5 साल का। अब आप रेस्ट करो और अमरनाथ की वहाँ गुफा में जाके 5 साल तपस्या करना, और किसी नौजवान को हम इस बार अपनी बहन मायावती जी को भी हम दलित प्रधानमंत्री बना करके देश की राजसत्ता पे दलितों का शासन चाहते हैं। यानी जी मोहन भागवत कह रहे हैं कि दलितों को घोड़े चढ़ने दिया जाए, उन्हें मंदिर भी जाने दिया जाए, हमें नहीं चाहिए। देखिए आप तो हमारे पास कारें मोटरसाइकिल, और हमारे तो अभी पीछे दलित एक वो आई हेलीकॉप्टर में आया था, भैया हमें घोड़ी पे नहीं चढ़ना, भाई घोड़ी को तुम्हें अपने संभाल के रखो, अब तो हम अपने चले जाएंगे कारों में, हेलीकॉप्टरों में हम चले जाएंगे, मोटरसाइकिल पे और कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल ही चले जाएंगे, अब तो मेट्रो भी आ गई हमारी, बढ़िया बढ़िया बसें आ रही हैं, तो इसलिए हमें तुम्हारी घोड़ी नहीं चाहिए, हमें दया मत दिखाओ भाई, अब हम अमेरिका US और उसकी तरह हम जीना चाहते हैं, और हम देखिए हम परंपरागत तरीके से शादी भी नहीं करना चाहते, बहुत सारी भीड़ और राजे महाराजाओं की तरह कपड़े पहन करके, एक दिन तो पहन लिए कर्जा वर्जा लेकर के, और अगले दिन पता चला वो कर्जदार पीछे पड़े हैं, हम ऐसा नहीं करें, हम भैया परिवार के लोग, हम अपने अपने हिसाब से बाबा साहब की फोटो रख के हम भैया उसकी शपथ लेके हम कर लेंगे शादी, और अपने वो आराम से दाल रोटी खा करके हम अपने अपने शादियां कर लेंगे, हमें घोड़ियों पे नहीं जाएंगे भाई। अभी जो हमारे कुछ लोग रह गए हैं, अब उनको भी जब थोड़ी बहुत पिटाई उटाई हो रही है तो वो भी पिटाई कर रहे हैं भाई, लोग तो आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं है, इनको करने दो, लेकिन अब हम परंपरागत तौर तरीकों से नहीं करेंगे भाई, अब हमें तुम्हारी घोड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर भी नहीं चाहिए और तुम्हारे पुजारी भी नहीं चाहिए, अब हम बाबा साहब की फोटो रख के हम शपथ ले लेंगे कि भाई हम अपनी पत्नी और पति हम एक साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे। कैसे मिलेगा आपको स्वर्ग? स्वर्ग तो चाहिए नहीं भाई साहब, हम तो नरक में ठीक है। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग में क्या है कि वो नृत्यकियां नाच रही हैं, वो देवगण बैठे हैं, बेचारी महिलाएं डांस कर रही हैं, वो मदिरा पान करा रही हैं, भैया माफ करो मैं ना शराब पीता हूँ ना मैं महिलाओं से, हमें कोई हमारी बहन बेटियां भैया हम दूरी, हम नरक में ही ठीक हैं, बिल्कुल नरक में बिल्कुल ठीक है, नरक में मेहनत करके बाबा साहब की तरह आंदोलन करके गरीब समाज के लड़ना, हम नरक में ठीक है, हम नरक अच्छा, हमें स्वर्ग। अचानक से मोहन भागवत के लगातार बयान आने पिछले कुछ दिनों से, पहले कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, फिर वो कहते हैं कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए, फिर वो एक मदरसे में जाते हैं, फिर एक मस्जिद में जाते हैं, आखिर मोहन भागवत करना क्या चाहते हैं? गुमराह इस गरीब समाज को, गुमराह क्योंकि इनको अपनी देश को, नहीं देश को कैसे बदलेंगे आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो घोड़ी पे चढ़ जाओ, आप कह रहे हो पंडितों ने जातियां बनाई, भाई आज तक तो तुम्हारे लोग बोलते रहे हमारे लोगों को, दलितों को घर में जाके कि तुम्हें मुसलमानों ने पीट पीट करके तुम्हें ये गंदे पैसे करवाए, तुम्हें उन्होंने जातियां बनाई, अब आज अचानक से आप ये कह रहे हो कि जी पंडितों ने बनाई, तो इसका मतलब जैसे आपने छल किया था 2014 में, आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, इसी तरह तुम छल कर रहे हो, पंडितों को समझा दिया कि भाई हम ऐसा कहेंगे चुप रहना क्योंकि सत्ता लेनी है, इनको बेवकूफ बनाना है, तो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम गुमराह नहीं होंगे। अब भैया हम वैसे भी हम प्यार हम यही चाहते हैं ना, यही बोले मोहन भागवत, नहीं हमने नहीं हम ये लड़ाई नहीं, हम भारतीय बनने की लड़ाई है, तो समानता का आर्टिकल 14 लागू करो ना, विधि के समक्ष सबको बराबर करो, हम तो विधि के समक्ष बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जमीनें बांटो, हमें नौकरियां दो, हमें एक समान शिक्षा दो, शिक्षा ऐसी नहीं कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई पब्लिक में पढ़ रहा है, कोई बेचारा MCD के स्कूल में पढ़ रहा है, किसी के स्कूल में छत भी नहीं है, टाट भी नहीं है, और किसी स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, कोई एक्सीलेंस स्कूल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, एक जैसी शिक्षा पत्ती भारत के संविधान के हिसाब से कब करोगे, एक जैसे स्कूल, उनका रंग भी एक जैसा हो, उनके प्ले ग्राउंड भी एक जैसे हो, उनके टीचर भी एक जैसे हो, उनका कोर्स भी एक जैसा हो, कब करोगे संविधान के बराबर एक समान स्कूल? तो रही है ना, वो तो और खराब है, वो
संविधान के विरुद्ध है, वो तो जो बचे कुचे स्कूल है वो भी बिकने वाले हैं, वो सब प्राइवेट होने वाले हैं, सब लालाओं को जाने वाले हैं, तो हम उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और उसमें तो बोर्ड भी खत्म कर रहे हैं। ये गलत दिखाई देता है आप लोगों को, देखिए राजनीतिक रूप से हम देखते हैं और राजनीतिक रूप से गलत है, जो गलत है कोई सही है तो बता दो भाई। मैं तो गरीब समाज का एक दलित बच्चा हूँ, एक दलित आदमी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ है पढ़ने की, मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ है रोजगार की, सब चीज की, मेरे ऊपर तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होती है। तो मैं किसी भी सरकार का कोई निर्णय देखता हूँ तो उसमें पॉलिटिकल रूप से देखता हूँ और राजनीतिक रूप से इन्होंने सारी चीजें गलत की है। नई शिक्षा नीति इस देश के गरीब मजदूर SC ST के विरुद्ध है। हर फैसला तो बताया जाता है डंके की चोट पर होता है मोदी जी का। हाँ तो वो गोदी मीडिया बता तो रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं गोदी मीडिया की, आजकल क्या लताड़ पड़ रही है देख रहे हो ना, आजकल खुल के दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता विपक्षी प्रवक्ता उनकी धूल उतार रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुकर्म करें, ऐसे हालत करें इस देश के, एक आदमी 14 लाख करोड़ बर्बाद कर देता है, एक आदमी 14 लाख करोड़, जिसमें SC ST का भी हिस्सा है 22.5%, OBC समाज के भी 27% का हिस्सा है, उसमें मजदूर का भी हिस्सा है, इस देश के एक एक नागरिक का हिस्सा है। उसके बाप के थे 14 लाख करोड़ रुपए, ये 14 लाख करोड़ रुपए थे हमारे जो हम LIC खरीदते हैं, 1 लाख वो 14 लाख करोड़ रुपए थे जो सरकारी बैंकों में हमारे लोग 100-100, 10-10, 20-20 रुपए जमा करके अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखते हैं, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। और दूसरा इन्होंने एक और क्या कुकर्म किया है कि इन्होंने हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा, एक गरीब मजदूर जो किस तरह से अपना प्रोविडेंट फंड बचाता है, उस फंड के पैसे भी उस चोर, उस बेईमान, उसको अडानी को दे दिए इन्होंने, जिस चोर को, महाचोर को, उसको दे दिए उसको पैसे को। अभी तक तो पिछड़े कह रहे हैं कि इन धर्म ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए, अब राजेंद्र पाल गौतम भी कह रहे हैं विधानसभा में कि जो महिला विरोधी ग्रंथ है, जो दलित या शूद्र विरोधी ग्रंथ है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए तो भागवत जी ने भी कह दिया ना, हमारे प्रिय भागवत जी ने भी कह दिया कि जो ये ग्रंथ बने हैं, ये इन्होंने जो पंडित थे या जो समय समय पर जो लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहा, उनके ऊपर दोबारा से मंथन होना चाहिए, तो समीक्षा होनी चाहिए, वो तो कह दिया उन्होंने मोहन भागवत जी ने, तो जब मोहन भागवत जी ने कह दिया तो उससे बड़ी चीज क्या है, तो समीक्षा होनी चाहिए। गौतम जी बोले, चाहे हमारे वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोले, कोई भी बोले, तो इसका मतलब सही बोल रहे हैं, जब इनके चीफ ने बोल दिया तो इनकी समीक्षाएं होनी चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने तो 1950 में कहा था इनको कि भाई तुम एक धर्म ग्रंथ बना लो, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप एक धर्म ग्रंथ बना लो जो सारे सबके एक सर्वसम्मत हो, सबके एक समान सबको बिठा लो, और जो सर्वमान्य धर्म ग्रंथ हो मान लो, हम हिंदू बने रहेंगे, और पुजारी स्टेट तय करेगा मंदिरों में कौन पुजारी होगा, उसकी उसकी एजुकेशन ली जाएगी, डिप्लोमा लेके इंटरव्यू होंगे, और तुम्हारी कोई वो नहीं होगी, तुम ये दो काम कर लो, हम हिंदू बन जाएंगे। आजम खान की सदस्यता जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए राहुल गांधी जो है एक बड़ी पर्सनैलिटी है इस देश की, उनके उनके बाप दादाओं ने, दादी ने, उनके खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं, जेलों में गए हैं, वो फांसियों पे चढ़े हैं, उन्होंने वो बम से उड़ाए गए हैं, उन्होंने शहादत दी है, गोलियां मारी गई हैं उनको, वो एक परिवार। दूसरा कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, इतनी विशाल पार्टी है, अगर आजम खान के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का कसूर है, ये किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी वहाँ उत्तर प्रदेश में मजबूत है ना, वो लड़ सकती थी ना अपने नेता के लिए, वो नहीं लड़ी, उनकी गलती है, लेकिन कांग्रेस अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं तो ये उनकी अच्छी बात है कि वो हर पार्टी को लड़ना चाहिए अपने लीडर के लिए। पर ये कोर्ट का फैसला सरकार को कहां तक कोसना ठीक है? नहीं नहीं कोसने की बात नहीं, जिस तरीके से किया, देखिए ये तो 1951 में बन गया था, ये तो जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बना था और उसमें क्लॉज डाला गया था कि जिसको भी क्रिमिनल एक्ट में धाराओं के तहत 2 साल की सजा होगी उसकी सदस्यता जाएगी, और उस समय बाबा साहब भी मौजूद थे जब ये सब तय हुआ था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हुआ था, तो उस समय क्रिमिनल लोगों को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन पहली बात तो क्रिमिनल ये एक उसका मैटर है जिसको क्रिमिनल उसमें एक्ट में लेते हैं कि किसी के अपमानना, उसको इज्जत को मान वो करना, लेकिन वो है नहीं, वो तो गलत फैसला है। दूसरा जिस ताबड़तोड़ से 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने उसको रद्द किया, लागू किया, उनकी कार्यशैली पर ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये कांग्रेस ये तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, उसको तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिमिनलों को रोकना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।